Assalamualaikum everyone, my name is Afina Alia, welcome back to my YouTube channel and अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो आपको भी बहुत 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 सारा वेलकम. सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन ग्लास स्किन रूटीन, जो उसके यूज़ करने के बाद आपकी जो खुशी है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि जो आपके फेस पे ग्लो आने वाला है. सो गाइज, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो एंड आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस लाती रहती हूँ. सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है. 6 से 7 स्टेप्स, उससे ज़्यादा नहीं, एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है. सो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो होगा हमारा फेस मसाज. ऑयल से हम मसाज करेंगे अपने फेस को, तो चलिए देख लेते हैं. सो गाइज, यहाँ हम फेस मसाज के लिए यहाँ हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं. आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो. एंड गाइज, मसाज करने पर आपके फेस पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा. एंड जो यहाँ कोकोनट ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को सप्पल एंड हाइड्रेटिंग बनाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना देगा एंड आपके स्किन पर एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगा. सो गाइज, यहाँ मैं बायोटिक का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ. तो हमें अच्छे से अपने फेस को क्लेंज करना है. बायोटिक के फेस वॉश में स्क्रब पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो आपके स्किन के एकदम अंदर तक अच्छे से क्लीन कर देता है. सो गाइज, आफ्टर वॉश यू कैन सी द रिजल्ट, कितना ग्लोइंग लग रहा है फेस. सो इसके बाद वाला स्टेप है स्टीमिंग, तो चलिए देख लेते. सो गाइज, अभी हम यहाँ स्टीम ले रहे हैं. स्टीम लेने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. स्टीम लेने से आपके पोर्स ओपन अप होंगे एंड जो आप एक्सफोलिएट करोगे आपके स्किन को, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है. आपके फेस से जो डर्ट एंड सीबम, एक्सेस सीबम जो प्रोड्यूस होता है, उसमें जो डर्ट एक्यूमुलेट हो जाता है उसको साफ करता है. सो गाइज, स्क्रब करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ चाहिए शुगर. शुगर को हमने दरदरा पीस लिया है. उसके बाद हमें चाहिए हनी. एंड इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करिए. उसके बाद 10 से 15 मिनट तक अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करें. स्माइल करते हुए खुश होकर मसाज करें, क्योंकि यहाँ जो शुगर है वो आपका आपको स्क्रब नहीं कर रहा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है. जो शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो आपको फ़ायदा करेगा बहुत ही ज़्यादा. एंड गाइस, हनी हम ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि हनी आपको आपके फेस पे एक नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. सो गाइस, अच्छे से स्क्रब करिए 10 से 15 मिनट तक. उसके बाद हमें अपना फेस ठंडे पानी से धोना है. वॉश करके आती हूँ. आफ्टर वॉश यू कैन सी द रिज़ल्ट. एंड गाइस, इसके बाद वाला प्रोसेस है फेस मास्क. फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले ले रहे बेसन. एंड उसके बाद हमें चाहिए वाइल्ड टर्मरिक. वाइल्ड टर्मरिक आपके घर की हल्दी, किचन की हल्दी बिल्कुल भी नहीं, नेवर. हमें चाहिए वाइल्ड टर्मरिक, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर चाहे तो दे सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके फेस पे. एंड उसके बाद रो मिल्क, कच्चा दूध ही चाहिए, उबालने के बाद नहीं लेना है. तीनों इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें एंड अपने फेस पे अप्लाई करें. जो ठंडा ठंडा आपको फील होगा, नेक्स्ट लेवल की खुशी आपको देगा ये. आपको यूज़ करने के बाद जो ग्लो आपके फेस पे दिखेगा, क्योंकि बेसन जो है एक नेचुरल क्लेंजर माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके फेस को क्लीन करने के लिए. एंड उसके बाद जो हमारा वाइल्ड टर्मरिक है वो एक नेक्स्ट लेवल का हमारा ग्लो प्रोवाइड करेगा, बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो देगा. एंड गाइज, जो हमारे पास ये रो मिल्क हमने यूज़ किया है, रो मिल्क आपके स्किन को स्मूथ, स्वीट एंड सप्पल बनाएगा एंड हाइड्रेटिंग बनाएगा. बहुत ही अच्छा होता है रो मिल्क आपके फेस से दाग धब्बों को हटाने के लिए, बहुत अच्छा होता है.
यहाँ मेरा मक्खी इधर उधर घूम रही है, तो सॉरी गाइस, मुझे बार बार मक्खी मारना पड़ रहा है, आप देख सकते हो। सो अच्छे से यूज़ करो अपने फेस पर एंड फिर हमें ठंडे पानी से वॉश करना है। सो आफ्टर 15 मिनट्स हमें इसे वॉश करना है। आफ्टर वॉश यू कैन सी द रिजल्ट। सो गाइज, कितनी ग्लोइंग लग रही है फेस। सो स्टेप 6 हमारा है टोनिंग। इसके बाद है हमें टोनर से हमें टोनिंग करना है। मैं एज ए फेस मिस्ट भी इसको यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। टोनर आपके पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है और बहुत ही ज़्यादा स्किन को रिफ्रेशिंग बनाता है। टोनर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा मॉइस्चराइजिंग। सो गाइस, स्टेप 7 है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए यहाँ मैं एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। समर है तो एलोवेरा जेल इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, सो गाइस, यहाँ एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए। बस यही कुछ स्टेप्स थी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल वाला बटन उसको भी प्रेस कर देना, लाइक कर देना। एंड गाइस, प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो। मैं मिलती हूँ अगले और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।